गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स। तो व्हाट इज डिसऑर्डर? इट इज अ प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट समवन माइंड और बॉडी। डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और अ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दैट इंटरप्ट नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे हमारे माइंड्स को, हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है ये प्रॉब्लम, और हम अपनी एक तरह से ये फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब आपकी फिजिकल एबिलिटी को ये कम करती है और आपकी मेंटल एबिलिटी को ये इफेक्ट करती है निगेटिवली। तो इसमें फर्स्ट है ADHD, अटेंशन डिफ्लेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म है ADHD का। इट इज़ अ न्यूरो बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग प्री स्कॉलर, मतलब छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस जो कम एज के होते हैं, एडोलसेंट्स एंड एडल्ट। मतलब इसका जो मेन सिम्टम्स है या फिर जो रहता है वो बचपन से ही बच्चे में रहता है। तो करेक्टराइज्ड बाय इंपल्सिवनेस एंड इन अटेंशन विथ और विदाउट द कंपोनेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी। मतलब आप किसी भी, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, आप किसी भी एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी अटेंशन बार बार डिस्टर्ब होती रहती है, आप हाइपर हो जाते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा हाइपर होके उस एक्टिविटी को करने लगते हैं। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, तो पहला है इसमें डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, इनएबिलिटी टू फोकस अटेंशन। मतलब ये एक तरह की ऐसी, इसके तीन पार्ट हैं ADHD के। पहला है डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप किसी भी पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उससे आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, सीन इन मेनिया एंड एंजाइटी। ठीक, नेक्स्ट है हाइपर विजिलेंस, एक्सेसिव अटेंशन एंड फोकस ऑन ऑल एक्सटर्नल और एंड इंटरनल स्टिमुली। मतलब आप किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, उस कंडीशन में भी आप, जैसे आपने देखा होगा किसी भी कंडीशन में कोई आपके साथ का फ्रेंड बैठा होगा और वो सोचता कुछ और रहता है, करता कुछ और है, तो मतलब उस कंडीशन में उस काम को वो प्रॉपर नहीं कर पाता, उसका जो अटेंशन रहता है वो एक ही तरफ रहता है, वो एक साथ एक या दो काम करने में कैपेबल नहीं होता। थर्ड है इन अटेंशन ब्लॉकिंग आउट ओनली दोज थिंग दैट जनरेट एंजाइटी। अब एंजाइटी किस वजह से होती है, जब आप एक ही कंडीशन को, एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं तब उससे आपको हेडेक होता है या एंजाइटी होती है, आपको परेशानी होती है। तो ब्लॉकिंग आउट ओनली दोज थिंग दैट जनरेट एंजाइटी, मतलब एंजाइटी आप एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एंजाइटी वाली जो कंडीशन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके तीन पार्ट हो गए, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन और इम्पल्सिवनेस। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है ये कैसे आइडेंटिफाई होती है कि आपको ADHD है। तो किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्सन के बिहेवियरल प्रॉब्लम, मतलब उसके बिहेव में आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा, वो बिहेवियर एबनॉर्मल दिखेगा। लर्निंग डिसऑर्डर, मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने या फिर उसको सोचने की जो हमारी क्षमता होती है वो वहाँ पे कम हो जाती है। पीयर प्रॉब्लम, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज इंजरी, जब आप एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो उस कंडीशन में आपके गिरने या फिर चोट खाने के चांसेस, आपकी जो एक्टिविटी रहती है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका इंजरी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और एंजाइटी डिप्रेशन, जब एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उस कंडीशन में आपको डिप्रेशन की कंडीशन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जब किसी भी आपको दिखे आपके किसी भी ह्यूमन के अंदर, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो ADHD के आपके लक्षण हैं। नेक्स्ट है इसमें डिसऑर्डर, पहला हो गया ADHD जिसमें तीन पार्ट थे, क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिविटी, बहुत तेज़ी से कोई एक्टिविटी करना, इन अटेंशन, जहाँ पे अटेंशन नहीं वो एक जगह फोकस कर पाता है, और इम्पल्सिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करता है और इम्पल्सिव होके बहुत तेज़ी से काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सारे सेंस ऑर्गन्स की, हमारे सेंसर्स जो हैं यही पांच हमारे हैं। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम थ्रू द सेंस। मतलब आप किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो सेंस के थ्रू आपके माइंड में जाता है और वहाँ से आपको पता चलता है कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है, ये मेटल है कि आपके कॉटन है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं तो आप उसको छू कर रियलाइज़ कर पाते हो और उन चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इस सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, आपके ये पांचों जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें से कोई ना कोई आपका डिस्टर्ब होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग डिफिकल्टीज विथ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 5 क्लासिक सेंस ऑर्गन्स। मतलब आपके जो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी जो प्रोसेसिंग है इंफॉर्मेशन भेजने की और रिसीव करने की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। तो उसके कारण द सेंस ऑफ मूवमेंट एंड और द पोजिशनल सेंस। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा जो सेंसर ऑर्गन्स हैं आपके वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। कॉजेज ऑफ सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कॉजेज कौन कौन से हैं, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। तो एबनॉर्मल हैं आपके फंक्शंस, कई बार आपको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, कई बार एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है, जहाँ पे आपके मान लीजिए हाथ वगैरह में ऐसी इंजरी हो गई वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, या फिर आप देख नहीं पा रहे हो प्रॉपर, कई बार ये जन्म से होती है, कई बार एक्सीडेंट के थ्रू आपके बीच में हो जाती है। देन ट्रामा, ट्रामा किसी भी तरह का एक्सीडेंट या किसी तरह का साइकोलॉजिकल आपको झटका लगे उस कंडीशन में भी होता है, इफेक्ट इन सेंसर रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे कहीं ना कहीं ये चोट लगती है काफ़ी ज़्यादा। और ब्रेन और हेड ट्रामा, मतलब ब्रेन इंजरी, आपके ब्रेन में कहीं पे चोट लग गई और उसके कारण आपका जो प्रोसेसिंग, आपकी कोई भी चीज़ आप छूते हो तो वहाँ से वो न्यूरॉन के थ्री आपके माइंड में जाती है, माइंड बताता है आपका कि ये कॉटन है या फिर लोहा है या फिर जो भी चीज़ आयरन है, ये सारी चीज़ें वो बताता है। और कुछ कंडीशन में अगर आपके ब्रेन में ही इंजरी हो गई तो वो प्रोसेसिंग रुक जाती है और आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी, मतलब बायोकेमिकल आपके जो न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन लाने, रिसेप्टर्स जो लाने और ले जाने का वर्क करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एबिलिटी इफेक्ट होती है। सेंसरी डिस्पर्विटी, डिस्प्रिवेशन, सेंसरी डिस्प्रिवेशन मतलब आपके सेंस ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक मतलब होता है हेरिडिटी में जो चीज़ हमें हमारे फादर या ग्रैंडफादर से मिलता है उसको, ये जेनेटिक आपको हो सकती है, हेरिडिटी में मिल सकती है, और प्रीनेटल ड्रग या अल्कोहल वगैरह के कारण, जब आप मान लीजिए आपके बर्थ से पहले आपके क्या कहते हैं माँ ने इस तरह की चीज़ें ड्रग वगैरह यूज़ की, उसके कारण भी ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। और फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब किसी भी तरह का आपके साथ आपको फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया हो तो उसके कारण आपको एक तरह का ट्रॉमा लगता है जिसके कारण ये कंडीशन बनती है, आपके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क
नहीं कर पा रहे हैं. सम साइन ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर SPD में कवर ईयर, देन देयर आर लाउड साउंड सच एज वैक्यूम, हेयर ड्रायर एटसेट्रा, मे हैव इशूज विथ फूड एक्सटर्स. मतलब ये सारे हो सकता है आपको टेस्ट की प्रॉब्लम हो, आप देख ना पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, साइन बताए गए हैं. सम साइंस जो आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये साइंस हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको SPD की प्रॉब्लम है कि नहीं है. मे डिसलाइक हेयर बीइंग ब्रश्ड और कट, मे बी सेंसिटिव टू लाइट, मतलब आपको लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मे क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लॉथिंग टैक्स, और तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब नेक्स्ट है आपका होमवर्क, ये होमवर्क आप करोगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज के थ्रू से पूछ सकते हो. थैंक यू.